आज हमारे पास है इतने सारे खिलौने, जिसमें से ये है थार, ये ट्रक और ये ट्रैक्टर, और आज हम बनाने वाले हैं जॉन डियर ट्रैक्टर। जल्दी आओ, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये टुकड़े पहले से ही मैंने कट करके रख रखे हैं, आप इस तरह से कट कर लेना। मैंने पहले से इसलिए कट किए कि ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, और ये चिपका कर कंप्लीट कर लिया है मैंने इसको। दोस्तों इस डीसी मोटर को मैंने मॉडिफाइड की है, पहले 100 आरपीएम की थी, अब 600 आरपीएम की हो गई है, और इसमें टॉर्क भी बहुत ज्यादा है। और कैसे मैंने मॉडिफाइड की है अगर आपको सीखना है तो कमेंट में कमेंट करके बताओ, हमें अलग से एक वीडियो अपलोडिंग कर दूंगा कि मैंने कैसे मॉडिफाइड की, उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूंगा कैसे मॉडिफाइड करना है इसको। और दोस्तों जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको ही करना है, आप आसानी से ट्रैक्टर बना लोगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताओ, या आपको मैं मैसेज के थ्रू समझा दूंगा। और दोस्तों 1,00,000 व्यू जाने पर मैं ये ट्रैक्टर किसी एक बंदे को गिफ्ट करूंगा, और गिफ्ट उस बंदे को करूंगा जिसके सबसे ज्यादा कमेंट होंगे। दोस्तों ये टायर भी मैंने खुद से बनाए, और कैसे बनाए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देखो। दोस्तों ये आगे वाली स्टेयरिंग कंप्लीट हो गई, पता ही नहीं चला बातों बातों में पूरी स्टेयरिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। दोस्तों पेन के दो टुकड़े यूज कर रहा हूं मैं, तो ये देखो आप कितने अच्छे से स्टीयरिंग काम कर रही है इसकी। ये मोटर फिट कर देंगे इसके अंदर, ये भी मैंने मॉडिफाइड की हुई है। और दोस्तों फिट करने के लिए मैंने कट लगा दिया। और दोस्तों ये मैंने पहले से ही बना रखे हैं, वो बड़ा वाला ट्रैक्टर बनाया उस के अंदर अटैच कर रखे थे आगे की साइड में, तो इसको मैंने खोल दिया आपका टाइम बर्बाद ना हो, इसीलिए मैंने बने बनाए लगा दिए इसमें। और इन टायर को कैसे बनाए इनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख लेना। अभी तो मैंने ऐसे ही चेक करने के लिए ये पुराना रिमोट था उससे स्टीयरिंग चेक कर ली थी, और बाद में वायरलेस रिमोट कंट्रोल किट लगाऊंगा इसमें, एंड में लगा दूंगा मैं। और अपना ट्रैक्टर कंप्लीट है, अब ट्रैक्टर की बॉडी बनाएंगे, ये कट कर लेंगे। दो पीस मैंने कट कर रखे हैं, वो एक कट कर दिया, एक दूसरा और आपको कट करके दिखा रहा हूं मैं। और दोस्तों यहां तक आ गए हो तो पूरा वीडियो देख के ही जाना, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, और आपका समय बर्बाद ना हो इसीलिए मैंने बॉडी का एक पार्ट कट कर लिया, और दूसरा पार्ट कट करके मैं दिखा देता हूँ। Thank you.
कर भी तेरे बदन की डाली को लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। दोस्तों लगभग लगभग कंप्लीट हो गई है, बस इसकी लाइट ही बाकी है, लाइट लगानी। अभी इसको अटैच कर देते हैं ट्रैक्टर के ऊपर। लगा दिए मैंने कंप्लीट, और एक टुकड़ा चौकूट कट करके बीच में अटैच कर दिया मैंने। बीच में खाली जगह थी उसको बंद कर दिया मैंने। और ये मरघाट बना रहा हूँ मैं, एक मरघाट पहले से एक्स्ट्रा बना लिया, एक बनाकर दिखा रहा हूँ, इससे टाइम बचेगा अपना। ये दूसरा वाला भी दोनों अटैच कर दिया मैंने, चिपका दिया ग्लू गन की मदद से। एक टुकड़ा ये पीछे भी चिपका लिया मैंने, और ये बम्पर है ट्रैक्टर का आगे की ओर लगेगा, यहाँ चिपका देंगे। और दोस्तों ये ट्रैक्टर की सीट है, सीट भी लगा देंगे। और दोस्तों ये स्टीयरिंग हो गई अपनी, और ये पीछे हाइड्रोलिक है, इसको ट्रॉली को ऊपर नीचे करने के लिए, आप इसको झूला भी बोल सकते हो, ट्रॉली को अप डाउन करने के लिए होता है ये। और दोस्तों ये ट्रॉली अटैच करने के लिए हुक लगा रहा हूं मैं, यहाँ ट्रॉली अटैच हो जाएगी। और दोस्तों ये साइलेंसर है, साइलेंसर भी लगा दूंगा मैं, ये साइड में साइलेंसर लगा दिया मैंने। और ये फिल्टर है, फिल्टर भी लगा दूंगा। और ये जो स्टीयरिंग है वो अच्छी नहीं लग रही थी, इसको हटाएंगे, और दूसरी वाली स्टीयरिंग मैंने बना दी पहले से ही, तो ये लगाएंगे, वो अच्छी नहीं लग रही थी, बेकार लग रही थी, तो इसको लगा रहा हूं मैं। और दोस्तों ये मॉडर्न क्राफ्ट से इंडिया चैनल का लोगो लगा दिया मैंने ट्रैक्टर के आगे। अब लाइट कंप्लीट करेंगे इसकी, ट्रैक्टर की लाइट बहुत शानदार बनने वाली है। और लाइट कंप्लीट हो गई है, और ये मरघाट की लाइट है। इसी तरह से दोनों तरफ चिपका लेंगे। और ये ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ने वाला पैरदान है, इस साइड में भी चिपका लेंगे। ये ट्रैक्टर की बैटरी, और ये एक्स्ट्रा मैंने पेटी साइड में लगा दी है।
दोस्तों ये रिमोट कंट्रोल का किट है, इसकी वायरिंग कर लूँगा मैं, और वायरिंग करने के बाद मैं बताता हूँ। और आपको समझना है वायरिंग कैसे करता है तो साइड में डायग्राम दे दिया, इसके अनुसार आप समझ सकते हो आराम से ये डायग्राम देख के। और फिर भी समझ में ना आए तो मेरे कमेंट करके कमेंट में पूछना, मैं बता दूँगा।